हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आज हम हैं मुंबई कांग्रेस सेवा दल के कार्यालय में और हमारे साथ में है मुंबई कांग्रेस सेवा दल के तेज तर्रार अध्यक्ष सतीश मनचंदा जी। हम मनचंदा जी से जानना चाहेंगे कि सर, आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था और हमने देखा कि सुबह से मुंबई कांग्रेस सेवा दल की टीम लगी हुई थी उसमें काम करने के लिए, तो जरा आप उसके बारे में बताइए। सेवा दल जो है ये कांग्रेस का एक अग्रिम संगठन है। जो जिम्मेदारी सेवा दल को दी जाती है, सेवा दल वो जिम्मेदारी निभाता है और सेवा दल एक डिसिप्लिन कैडर है। वैसे तो कांग्रेस के बहुत सारे अग्रिम संगठन हैं, महिला कांग्रेस है, NSUI है, कितने सारे सेल हैं, मगर सेवा दल जो है सर्वप्रथम आता है। हमें जवाबदारी दी गई, वो जवाबदारी हमने बखूबी निभाई, वोटरों को अंदर लेके गए, उनके मार्क्स नोट किया, उनको किसी चीज की असुविधा ना हो, उस असुविधा से बचने के लिए सेवा दल को जो जिम्मेदारी दी गई वो ईमानदारी से हमने की। आज सर जी आप ये बताइए कि जैसा कि आज चुनाव रहा और क्या लग रहा है कि चुनाव में क्या माहौल है? माहौल तो पूरा कांग्रेस का है, कांग्रेस ही कांग्रेस है, और क्या माहौल होना है? नहीं, जैसे दो उम्मीदवार है, खड़गे जी भी है और दूसरे उम्मीदवार भी है, तो क्या दोनों कांग्रेस की नहीं है? नहीं, मतलब कौन विजय श्री की तरफ कौन बढ़ रहा है? मतलब विजय श्री की ओर तो ये तो जिन्होंने अंदर वोट डाला है जाकर के वही बताएंगे, क्योंकि इस चुनाव में बंबई ऑल इंडिया सब तटस्थ थे, किसी ने किसी को किसी का वोट डालने के लिए नहीं दिया। अपनी इच्छा शक्ति अनुसार आपको जो पसंद है किसी को भी वोट डालो, ये तो वो हिसाब था कि मेरे पास 2000 का भी नोट है, 500 का भी नोट है, 100 का भी नोट है। 2000 का नोट मैंने यहां रखा, 500 का नोट मैंने पर्स में डाला और 100 का नोट मैंने ये जेब में डाला, रहा तो मेरे पास ही। किसी ने खड़गे जी को दिया होगा, किसी ने शशि थरूर जी को दिया होगा, दोनों सक्षम उम्मीदवार हैं। खड़गे जी के पास 40-50 साल का अनुभव है हर क्षेत्र के अंदर और शशि थरूर जी के पास इंटरनेशनली छवि है, उनको भी बहुत अनुभव है। तो जिसने जिसको वोट दिया होगा ये तो 19 तारीख को ही पता लगेगा। जैसा कि गांधी परिवार चुनाव में नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उसमें शामिल नहीं है, तो कांग्रेस ही बिना गांधी परिवार के किस तरह से पूरे देश में हैंडल कर पाएंगे? देखिए, ये पहली बार नहीं है। राजीव जी की जब शहादत हुई थी उसके बाद कई सालों तक गांधी परिवार किसी पद पे नहीं था। ये तो हम कांग्रेसियों ने जाके, उस समय शरद पवार भी कांग्रेस पार्टी में थे, हम कांग्रेसियों ने जाकर के सोनिया गांधी जी से विनंती की थी कि आप कांग्रेस में आइए और कांग्रेस की डूबती नैया को बचाइए। अगर भारत की जनता गांधी परिवार से प्रेम करती है तो उसके लिए मैं और आप क्या कर सकते हैं, ये तो जनता के हाथ में है। और इससे पहले भी नरसिम्हा राव रहे, सीताराम केसरी रहे, सोनिया गांधी जी खुद चुनाव जीत करके आई थी, जितेंद्र प्रसाद जी के साथ में उनका चुनाव हुआ था, वो कांग्रेसियों के कहने पे हुआ था। इसलिए ये कोई पहली बार नहीं है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस कैसी चलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से इस चुनाव के बारे में, संगठन के बारे में और आने वाली दीपावली के बारे में? देखिए, सर्वप्रथम जो आपका प्रश्न है कि मैं देशवासियों से क्या कहूंगा, देशवासियों को सोचना है। कांग्रेस ही एक ऐसा लोकतांत्रिक है जहां पर अध्यक्ष भी चुनाव द्वारा चुना जाता है, जहां पर PCC भी चुनाव द्वारा चुना जाता है, जहां पर यूथ कांग्रेस के नेतागण भी अध्यक्ष भी चुनाव द्वारा चुने जाते हैं और वो भी सीक्रेट बैलेट जैसा। और कौन सी पार्टी है? क्या नड्डा जी को वोटिंग द्वारा चुना गया है या किसी दूसरी पार्टी को वोटिंग द्वारा चुना गया? सिर्फ और सिर्फ
कांग्रेस पक्ष ही एक ऐसा पक्ष है जो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है। और ये जो है दुनिया के सामने सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास करती है। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें भेजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज और आपकी आवाज बनेगी हिंदुस्तान की आवाज।